कह रहे हैं व्हाइट बॉल में करूंगा और रेड बॉल में करूंगा, कोचेस खत्म हो गए हमारे पास इस तरह जलील होने के लिए या किसी का कट कमीशन करने के लिए। विमेन का कुछ नहीं रुकता, कोई कट कमीशन लग जाए हमारे भी आज, जैसे ये आ रहा है जी इसकी तरह, जैसे वो हेडन को लेकर आ गए थे रमेश भाई उठा कि आपके पास बहुत सारे कोचेस थे जो कि एक्रेडिटेड थे, जिनको के यू नो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 4 जो है वो मिल चुका था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी करना सबको पता है कि एक श्योरिटी नहीं होती, कोई कल को कोई और आके तब्दील हो जाए, किसी को नहीं पता होता। तो इतनी क्या खास बात है शेन वाटसन में? शेन वाटसन में खास बात है कि वो ऑस्ट्रेलियन है, शेन वाटसन में खास बात ये है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना आता है, उन्हें प्रेशर कंडीशन में खेलना आता है। एक दौर आया कि जहाँ पे फॉरेन कोचेस की तरफ बहुत तवज्जो थी, क्योंकि शायद एक आपको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो शेन वाटसन को अप्रोच किया, शेन वाटसन ने आगे से कहा कि भाई मैं 1 करोड़ प्लस लूंगा मंथली, साथ मेरी और चीजें भी होंगी, मैं ज्यादा टाइम फैमिली के साथ भी गुजारूंगा। तो पाकिस्तान ने कहा 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ हम तुम्हें कहां से देंगे। और शेन वाटसन ने इतना रेट को भी क्यों जुटलाया? अब आपको याद है कि क्रिकेटर्स कितने महंगे दामों बिक रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आईपीएल हो रही है, आईएलटी हो रही है। आके बैठ के बात करते हैं ना जी, हमने इतना अरसा क्रिकेट खेली, हमें सब कुछ पता है। भाई दुनिया बदल चुकी है, आपकी क्रिकेट के साथ आपका कोचिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। शेन वाटसन का एक्सपीरियंस नहीं है, वो पहली मर्तबा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कोच करने के लिए आए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी, एग्रेशन दिखाई दी। बच्चे जो है वो गलत हाथ में ना जाए, आपकी बेसिक ट्रेनिंग जो बैट बॉल फील्डिंग में हो वो ठीक हाथों में हो, तो ये सब कुछ हमारे सामने जो है ये हुआ है। देखिए शेन वाटसन ने 1 करोड़ की जो है डिमांड किया, जिसपे पाकिस्तानी तपे हुए थे कि यार इतना पैसा शेन वाटसन ले। शेन वाटसन ने किया हुआ है कोचिंग कोर्स, शेन वाटसन नहीं होना चाहिए उसको भी कोचिंग कोर्स, इसमें नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं होना चाहिए। हम तुम्हें 1 करोड़ कहां से रहेंगे? तो पाकिस्तान का सारा जो शेन वाटसन को रखने का प्लान था वो सारा मोय मोय हो गया। वकार यूनुस भी रहे हैं माजी में कोच, कई पाकिस्तान का हो, मिसबा भी रहे हैं पाकिस्तान को, या कहीं वकार यूनुस से कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मिसबा कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, मिसबा हफीज कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, फिर कहां से लाएंगे? इवन बाहर का भी आए, बाहर का भी आए। जिस देखे ये जो आके बैठ के बात करते हैं ना जी, हमने इतना अरसा क्रिकेट खेली, हमें सब कुछ पता है। भाई दुनिया बदल चुकी है, आपकी क्रिकेट के साथ आपका कोचिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस ने किया हुआ है कोचिंग कोर्स, शेन वाटसन नहीं होना चाहिए उसको भी कोचिंग कोर्स, इसमें नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं होना चाहिए। मेरी अपना एक सोच है, मेरी अपना एक ओपिनियन। माइक हैजमैन और डेरिन सैमी, इनका एक्सपीरियंस है कोचिंग का, शेन वाटसन का एक्सपीरियंस नहीं है, वो पहली मर्तबा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कोच करने के लिए आए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी, एग्रेशन दिखाई दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पिछले 4 साल कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में एक तो ये देखें जरूर कि PSL के एंड तक जो है वो किस टीम की परफॉर्मेंस और किस कोच ने क्या कुछ चेंजेस अच्छी किए, इसको भी मॉनिटर करें। चले जाएं एंडी फ्लावर पे, चले जाएं जिस पे भी आप जाना चाहें चले जाएं, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया इस वक्त लीग्स के साथ बिजी है, लेस कमिटमेंट होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी करना सबको पता है कि एक श्योरिटी नहीं होती, कोई कल को कोई और आके तब्दील हो जाए, किसी को नहीं पता होता, चेयरमैन तब्दील हो जाए वो छुट्टियों में बंदे को निकाल देता है। अभी मिकी आथर का केस दुनिया के सामने, वो भी कोई अच्छी एडवर्टीजमेंट नहीं थी इंटरनेशनल कोचेस के लिए। सो इंटरनेशनल कोच वाली जो कहानी है वो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। नहीं, वो तो 4.5 करोड़ पर मंथ भी ऑफर की गई है, तब भी उन्होंने बोला कि मैं फैमिली से पूछ के आपको बताऊंगा। और अब खबर ये आई है कि शेन वाटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस के काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो, कि पाकिस्तान की कोचिंग मैं नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों के लिए ये हैरानकुन बात होगी कि यार $2 million में भी एनुअली अगर वो नहीं मान रहे तो इतनी क्या खास बात है शेन वाटसन की है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ऑफर क्यों कर दी थी? वो इसलिए कर दी थी कि आप किसी भी कोच को ढूंढेंगे जो थोड़ा बहुत कोच होगा वो महंगे दामों में मिलेगा। आपको याद होगा मिकी आर्थर को हम $15,000 पर मंथ दे रहे थे, और वो ऑनलाइन कोच था कि वो कंप्यूटर पे बैठ के हमें ऑनलाइन जिस तरह कोचिंग होती है वो कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि वो डर्बीशायर के साथ भी कोच था, तो उसने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट का तो कुछ पता नहीं है, कल कोई नया चेयरमैन आएगा मुझे टाटा बाय बोल देगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा भी तो करियर है ना, तो मैं डर्बीशायर को नहीं छोड़ूंगा, अगर आपको मुझे कोच चाहिए तो मैं आपको वर्ल्ड कप में तो फिजिकली हाजिर हो जाऊंगा, वैसे मैं ऑनलाइन कोच रहूंगा, और पाकिस्तान को मानना पड़ा। उसकी वजह थी कि कोई गोरा कोच आने को तैयार नहीं है कि भाई आप अच्छे कोच को बुलाओगे उतने पैसे नहीं देते हो, अगर उतने पैसे
दोगे तो आपका पता नहीं है कि आप खुद भी हैं या नहीं है बतौर चेयरमैन पीसीबी। आपको याद है पिछले साल पूरा हमारा कैसे गुजरा है, पाकिस्तान ने बड़ा उछल कूद किया, पीसीबी ने शेन वाटसन को रखेंगे, शेन वाटसन को रखेंगे, क्वेटा के लिए आ गए शेन वाटसन तो हम भी शेन वाटसन को रखेंगे। तो शेन वाटसन को अप्रोच किया शेन वाटसन ने, आगे से कहा कि भाई मैं 1 करोड़ प्लस लूंगा मंथली, साथ मेरी और चीजें भी होंगी, मैं ज्यादा टाइम फैमिली के साथ भी गुजारूंगा। तो पाकिस्तान ने कहा 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ हम तुम्हें कहां से देंगे, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी पैसे नहीं है पीसीबी में, तो हम तुम्हें 1 करोड़ कहां से रहेंगे। तो पाकिस्तान का सारा जो शेन वाटसन को रखने का प्लान था वो सारा मोए मोए हो गया। वाटसन ने बोला अब जी देखो ये चीजें इफेक्ट करती हैं, गलत है ना पैसा पैसा, तो भाई ये अब देखो ये पीसीबी के पास पैसा ना होना गले पड़ गया ना कि शेन वाटसन जैसे क्रिकेटर ने जो कि कोचिंग में उतना है भी नहीं उसने औकात बता दी और आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। ये बड़ी बात है यार पीसीबी के साथ का बीसीसीआई, मतलब कि आप देखो कि साथ से मरा नेबर, नेबर क्रिकेटिंग नेशन का जो बोर्ड है वो कहां से कहां चला गया, लोग मरते हैं, वो कहते हैं तुझे 1 करोड़ चाहिए, बीसीसीआई बोलेगा 5 करोड़ लाए परफॉर्मेंस अच्छी कर, ये काम है भाई इस तरह के। $2 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन $2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो कि पाकिस्तानी अमाउंट पे 4.6 करोड़ पर मंथ बनता है, वो 4.6 करोड़ पीकेआर नहीं होता, वो शायद 2.5 करोड़ पीकेआर पर मंथ हो जाता इन एनी वेज, क्योंकि शेन वाटसन की फुल एबिलिटी नहीं थी और जिस पेस पे पाकिस्तान को, यानी अभी सबको पता है कि अप्रैल के 3rd week के अंदर पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट है अपने हेड कोच की, तो शेन वाटसन MCL में भी कोचिंग कर रहे हैं, शेन वाटसन कमेंट्री भी उनकी कमिटमेंट्स हैं। सो जिस तरह कल क्वेटा रात को फारग हुआ PSL से, उसी के साथ साथ जो शेन वाटसन की जो नौकरी और जो पाकिस्तान कोचिंग की असाइनमेंट थी उससे भी मामला ख़त्म हुआ। सो शेन वाटसन वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस रेस एनी मोर, 2-4 ऑप्शन पाकिस्तान के पास और हैं, लेकिन शेन वाटसन काफ़ी हद तक मामला सेट हो गए थे। लेकिन वाटसन एक दो चीज़ें क्लैरिफाई करते हैं कि पैसों की वजह से आउट नहीं हो रहा, पैसे पॉकेट बोर्ड हिस्टोरिक देने को तैयार था, लेकिन वही वाली बात है कि कोई भी आप इंटरनेशनल कोच पर चले जाएँ, माइक हेसन पर चले जाएँ, शेन वाटसन पर चले जाएँ, एंडी फ्लार पर चले जाएँ, जिस ले जी शेन वाटसन ने इनकार कर दिया है कि मैं पाकिस्तान की कोचिंग नहीं कर सकता। वही रीजंस जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि शेन वाटसन IPL की कमेंट्री भी कर रहे हैं, वो स्टार स्पोर्ट्स में कमेंट्री करना शुरू हो गए हैं, वो अमेरिका की मेजर लीग में हेड कोच भी हैं, वो उनको छोटे छोटे कोचिंग रोल ऑफर होना शुरू हो रहे हैं दुनिया में। IPL में वो दिल्ली की तरफ से 2 साल असिस्टेंट कोच रह चुके हैं पॉन्टिंग के नीचे, तो वो इतना शानदार अपना करियर छोड़ के क्यों पाकिस्तान को सारा साल यहां पे देंगे, क्यों देंगे? एक ही वजह हो सकती है, या तो कोई क्रेजी अमाउंट पाकिस्तान उनको ऑफर कर दे, ऐसी अमाउंट जिससे उनके IPL के खर्चे भी पूरे हो जाएं, मतलब वो भी उनको फील ना हो कि यार मैं IPL में नहीं गया, मैंने कमेंट्री नहीं की, उनकी मेजर लीग का भी कॉन्ट्रैक्ट कवर हो जाए। मतलब कल तक बात चल रही थी कि तकरीबन पर मंथ 2 करोड़ रुपया ऑफर हुआ है शेन वाटसन को, लेकिन इतना नहीं था, ये मैं आपको बता सकता हूं कि तकरीबन कोई 1.5 करोड़ के करीब उनको तक जो है वो शेन वाटसन ने इस पे कोई जवाब तो नहीं दिया। लेकिन पहले खबर ये भी चल रही थी कि शेन वाटसन ने 1 करोड़ की जो है डिमांड किया, जिसपे पाकिस्तानी तपे हुए थे कि यार इतना पैसा शेन वाटसन लेगा, तो भाई मार्केट के रेट्स अगर आपको बताया जाए ना तो ये पैसे कुछ नहीं है, और 1 करोड़ क्या बनता है यार, कोई $33,000-$34,000 बनते हैं, और ये लोग रुपीज में नहीं गिनते हैं, ये डॉलर्स में गिनते हैं और डॉलर्स में ही लेते हैं पैसे। अब अगर देखें तो इंडिया में राहुल द्रविड़ 12 करोड़ ले रहे हैं, मैकेलम की बात करें इंग्लैंड, वो जो है वो 2.1 मिलियन डॉलर ले रहा है US डॉलर, तो वहां पर उसके मुकाबले में ये 1 करोड़ क्या है भाई, 4.6 करोड़ की जो है ऑफर इसको दी गई है, क्या पता ये भी मानता है या नहीं मानता है। लेकिन बात वही है कि आपको सस्ते कोचेज इससे पहले मिले हुए थे, मिकी आर्थर हो गया ये वो, लेकिन मिकी आर्थर ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था, वो उधर से भी पैसे ले रहा था काउंटी से, और इधर भी, इसलिए वो थोड़े ले रहा था आपसे, लेकिन सारे इतने थोड़े नहीं लेते हैं। तो आपको अगर सस्ते वाले चाहिए भाई तो आप जो है वो बांग्लादेश से ले आओ, श्रीलंका से ले आओ, वो सस्ते वाले कोचेज होते हैं, वो आपको जो है वो सस्ते पैसों में जो आप काम करके दे देंगे। तो अगर आपको गोरी चमड़ी चाहिए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाले चाहिए, तो वो तो पैसे इतने ही लेंगे भाई, तो वो तो कम नहीं लेंगे। बहरहाल ऑफर हुई थी 1.5 करोड़ की बात चल रही थी पर मंथ, 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ,
और इससे पहले जो आपका सबसे एक्सपेंसिव कोच पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है वो मिकी आर्थर थे। मिकी आर्थर 32 लाख लेते थे। उसके बाद जब मिसबा ने टेक ओवर किया कि वही हेड कोच हैं, वही बैटिंग कोच हैं, वही सब कुछ है पाकिस्तान क्रिकेट के, तो उन्होंने भी 32 लाख मांगा था कि मैं भी 32 लाख लूंगा। तो इससे पहले जो हाईएस्ट कोच आपके पेड थे वो मिसबा और मिकी आर्थर आप कह सकते हैं 32 लाख। उसके बाद पीसीबी इनको 1.5 करोड़ रुपया देने के लिए रेडी था। किस चीज का मुझे नहीं पता, या तो कोई टॉम मूडी होता, कोई माइक हेसन होता, कोई समझ आती कि यार, कोई गैरी क्रिस्टन होता, समझ आती कि यार इनको पैसे दे रहे हैं, ये दुनिया के बड़े कोचेज हैं। लेकिन अगर आपने शेन वॉटसन को 1.5 करोड़ रुपया दिया है तो मेरा ख्याल है आप भी उस कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि यार गोरा है।